हेलो नाइन्थ क्लास के स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे रेशनल नंबर का जो डेसिमल फॉर्म है वो। जैसे ये पी बाई क्यू के फॉर्म में है सारे जो नंबर लिखे गए हैं, इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा। क्योंकि डेसिमल एक्सपेंशन यदि हम जान जाएंगे तो हम वहाँ से सीखेंगे कि टर्मिनेटिंग डेसिमल किसे कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग किसे कहते हैं, है ना, ये सब चीज़ें, रेकरिंग डेसिमल क्या है, इसी सब चीज़ें को हम लोग, इन सब चीज़ों को हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो जब इसका एक्सपेंशन करेंगे तब देखते हैं कि क्या हो रहा है, उससे हमें पता चलेगा कि किसको क्या बोलेंगे। सॉरी उल्टा कर दिए, ये 8 होगा और ये 7 होगा, बाय लॉन्ग डिवीजन भी बोला है। चलिए तो 8 से अगर हम ले जाएंगे तो नहीं जाएगा, तो पॉइंट बढ़ाना पड़ेगा और यहाँ 0 बढ़ाएंगे, फिर क्या हो जाएगा, 8 बार में कितना बचेगा, 6, फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर कितना बार में, 7 बार में, फिर 4, ये 0, फिर 0, फिर 5 बार में। तो ये पूरी तरह से कट गया, मतलब कि रिमाइंडर जो है आपका 0 आ गया। एक केस तो ये हुआ कि भैया रिमाइंडर हमारा 0 आ गया। इसमें देखते हैं हम 3 से डिवाइड करके 8 में, 3 टू जा 6, 2 पॉइंट बढ़ाना पड़ेगा अब 0, 3 6 जा 18, फिर 2 0, फिर 3 6 जा 18, फिर 2 0, फिर 3 6 जा। अब सोचो कि ये तो हमेशा घटना आता रहेगा ना, तो इसका मतलब ये जो है वो 2.6666 डॉट 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 ऐसे बढ़ेगा। तो इसी चीज़ को हम लोग 2.6 के ऊपर ब्लॉक लगा देते हैं, है ना, ये मतलब बार लगा देते हैं। तो बार का मतलब हुआ कि ये 6 जो लेटर है वो ही केवल रिपीट करेगा उसके बाद। तो एक ये इस तरह का नंबर आया। अब 7 से डिवाइड करके देखते हैं कि क्या हो रहा है। 1 में पॉइंट बढ़ाना पड़ेगा, पहले ही 0 पॉइंट लिख देते हैं। 7 वन जा 7, 3 बचा, है ना, 0 बढ़ाइए, 4 जा 28, फिर 2 0, 2 जा 14, 6 0, 8 जा 56, 4 0, 5 जा 35, 5 0, 7 7 जा 49, फिर आया 1। तो जब 1 आ गया तो शुरू में तो 1 ही था ना, आप 10 तो बढ़ाए थे, तो फिर क्या होगा कि जब आप फिर से डिवाइड करोगे 0 बढ़ा के, तो 7 1 जा 7, फिर क्या आएगा देखो, 3 0, फिर 4 जा करोगे, यही वाला रिपीट करेगा, 1 4 रिपीट कर रहा है ना, 28 क्या बचा, 2 0, अब 7 का पहाड़ा 2 बार पढ़ोगे 14, ये रिपीट किया 14, फिर क्या बचा 6 0, फिर 8 बार में ले जाओगे ये वाला आ रहा है 56, क्या बचा 4 0, फिर कितना बार में 5 बार में ये आया 35, फिर क्या बचा 5 0, फिर 7 7 जा 49, फिर 1 0। इसका मतलब फिर से वो रिपीटिंग वाली कहानी शुरू हो जाएगी 7 के बाद। मतलब हम कह सकते हैं कि ये वाला डिजिट फिर से आया है, यहाँ फिर वही आएगा। ठीक है, तो इसमें है ब्लॉक ऑफ लेटर जो रिपीट कर रहा है वो इतना है। ये ब्लॉक ऑफ लेटर मतलब लेटर्स का ये समूह कलेक्शन बार बार रिपीट कर रहा है। तो हम इसे लिख सकते हैं 0.14285 7, और उस पर बार दे सकते हैं। इसका मतलब यही ब्लॉक ऑफ लेटर बार 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 रिपीट करेगा। ठीक है, एक इस तरह का नंबर आया। अब 2/11 को देखते हैं, 11 से 2 को डिवाइड करते हैं, 0 बढ़ाना पड़ेगा, है ना, तो 11 वन जा 11, 9 बचा 0, 11 8 जा 88, है ना, और ये 2 होगा, फिर 0, फिर देखोगे कि फिर 11 वन जा 11 करोगे, फिर क्या बचेगा तुम्हारा 9 0,
फिर 11 8 जा 88 है ना, फिर अगेन 20। तो इसका मतलब तुम समझ गए कि ये लेटर में क्या होगा, 0.18 18 18 18 ऐसे ही बढ़ता रहेगा। तो 18 पे हम लोग एक लाइन खींच देंगे जिसको बार पढ़ते हैं, मतलब 18 18 18 रिपीट करता रहेगा। तो ये ब्लॉक ऑफ लेटर 1 और 8 है, ब्लॉक ऑफ लेटर 1 8 है, 18 है। यहाँ पे आप इसमें भी डिवाइड करके देखते हैं, पहले तो 2 से कट रहे हैं तो काट दीजिए, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 पाँच 10, 0 अब नहीं कटेगा। तो 50 से आपको 21 को डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। करते हैं डिवाइड, पॉइंट बढ़ाते हैं, 0 बढ़ाते हैं, 5 दूना 10, 5 के 20, 4 बार में ले जाइए, 0 5 के 20 कितना बचा, 0 1, 10 बचा, 0 बढ़ा दिए, 50 गुना 100 पूरी तरह से कट गया। तो ये जो है 0.42, दो तरह के नंबर आ रहे हैं, या तो पूरी तरह से कट के रिमाइंडर्स को 0 कर दे रहे हैं, या फिर रिमाइंडर्स को 0 नहीं कर रहे हैं। तो जब रिमाइंडर्स को 0 नहीं कर रहे हैं तो रेशनल नंबर्स जो हैं वो अपने ही किसी ब्लॉक ऑफ लेटर्स को रिपीट करा रहे हैं। जैसे कि जब हम 3 से डिवाइड किए थे तो 666 रिपीट किया था, 7 से डिवाइड किए थे तो ये ब्लॉक ऑफ लेटर 142857 रिपीट कर रहा था बार बार, 11 से डिवाइड किए थे तो 18 बार बार रिपीट कर रहा था, और जब हम 100 से डिवाइड किए थे तो रिमाइंडर 0 आ गया था, कोई रिपीटिंग नहीं था, ठीक है। तो जिसमें रिमाइंडर 0 आ जाता है, अब थ्योरी पढ़ा रहे हैं ये समझना, जिसमें रिमाइंडर 0 आ जाता है उसे हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं, उस रेशनल नंबर को हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। और जिसमें रुकता नहीं है उसको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग का मतलब एक रेकरिंग टाइप का हो जा रहा है ना, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग, एक ही नंबर बार बार रिपीट कर रहा है, तो या तो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग होगा। रेकरिंग को हम लोग रिपीटिंग भी कहते हैं, है ना, रिपीटिंग का मतलब कि एक ही लेटर्स को वो बार बार रिपीट कराएगा। तो हमारे जो रेशनल नंबर्स हैं यही दो प्रकार के होते हैं, या तो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, ठीक है। कुछ ऐसे भी नंबर्स होते हैं जो ना तो टर्मिनेट करते हैं और ना ही नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग बनाते हैं, मतलब वो बार बार रिपीट नहीं करेंगे, ऐसे भी होते हैं। जैसे कि एग्ज़ाम्पल के रूप में ले लो, मान लो हम ले लिए 2.10, ठीक है, फिर 110, फिर 1110, फिर 11110, ऐसे करके। तो ये कोई भी फिक्स पैटर्न नहीं है कि एक ही बात क्यों फिर वो रिपीट कराएगा, है ना। पैटर्न हम अगला लिख सकते हैं वो बात अलग है, लेकिन इसमें कहीं भी हम ऐसे नहीं लाइन खींच सकते हैं कि यही वाली बात को अगर अगला लिख दें तो आ जाएगा, ये बात समझ में आनी चाहिए। तो इस तरह के डेसिमल को के फॉर्म को ही हम लोग इरेशनल नंबर कहते हैं, मतलब कि रेशनल नंबर में दोनों होता है, अगर नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग हुआ तो भी रेशनल नंबर होगा, टर्मिनेटिंग होगा तो भी रेशनल नंबर होगा। इन दोनों में से अगर नहीं होगा, ना तो टर्मिनेट करे और ना ही नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग करे, तो वो नंबर्स इरेशनल नंबर के कैटेगरीज में आ जाते हैं, ठीक है। ये बात आपको समझना पड़ेगा। जैसे कि एग्जांपल में रूट टू ले लीजिए, आप इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से जो आप स्क्वायर रूट निकालते हो, भाग विधि से वर्गमूल कहते हैं स्क्वायर रूट, वैसे निकालोगे तो कुछ इसी तरह का नंबर आएगा जिसका पैटर्न हमें नहीं पता चल पाएगा। पैटर्न नहीं कर सकते हो, ऐसा कोई फिक्सेशन नंबर नहीं होगा कि उसी को बार बार लिख देने से अगला अगला आ जाएगा। तो इस तरह के नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। बहुत लड़का कंफ्यूज इस बात से होता है कि जो टर्मिनेट कर गया उसको रेशनल कहते हैं और जो ना ही टर्मिनेट किया उसको इरेशनल कहते हैं। दिस इज़ बिग कंफ्यूजन, ये बड़ा कंफ्यूजन रहता है बच्चों का।
नहीं, दोनों जो टर्मिनेट करेगा वो भी, और जो नहीं टर्मिनेट करेगा नॉन टर्मिनेटिंग होगा, लेकिन रिपीटिंग होना चाहिए, रेकरिंग होना चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग, साथ में रेकरिंग भी बोलना ज़रूरी है क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है वही वही नंबर का। तो उस केस में हम लोग उसे रेशनल नंबर के कैटेगरी में ही रहते हैं। क्यों? क्योंकि आप सोचिए कि 8/3 p/q के फॉर्म में है, तो ये चीज़ लिखो चाहे ये चीज़ लिखो, बात तो एक ही है ना। तो अभी हम सीखें कि अगर हमको डिवीज़न में p बाई क्यू के फॉर्म में दिया हो तो उससे डेसिमल एक्सपेंशन कैसे लिखते हैं। दूसरा चीज़ सीखे कि टर्मिनेटिंग कब कहते हैं, जब पूरी तरह से भाग लग जाए। इस केस में पूरी तरह से भाग लग गया, रिमाइंडर जीरो आ गया, तो हम लोग उसको टर्मिनेटिंग बोल देंगे। एक और इम्पोर्टेंट कंक्लूजन देखो यहाँ से, इसके डिवाइड में 7/2 × 2 × 2 था, इसके डिवाइड में 8/3 था, 7 था, 11 था, 42/ जब 100 था तो ध्यान से देखो 100 किस चीज़ का फैक्टर है, तो तुम लिख सकते हो 2 × 2 × 5 × 5। तो ध्यान से देखो ये किस चीज़ का फैक्टर है, 2 का और 5 का। तो कभी भी अगर कभी भी डिनोमिनेटर में आफ्टर स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉमन कुछ नहीं होना चाहिए, उसके बाद अगर डिनोमिनेटर में मात्र 2 का फैक्टर हो या 5 का फैक्टर हो तो वो टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म करता है, वो रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग कर होता है। और जिसमें डिनोमिनेटर में 2 और 5 के फैक्टर के अलावा हो, जैसे 3 हो 7 हो 11 हो, इसमें 2 और 5 के फैक्टर्स नहीं है, तो उस केस में जो नंबर होगा वो रेशनल तो होगा, लेकिन उस रेशनल का नाम क्या बन जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ये बात आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। कभी भी आप याद देख लेना, कभी भी देख लोगे, जैसे मान लो कभी कभी बच्चा को कहता है, ऐसा लगता है कि 3/ मान लो आपका 60 लिखा हुआ है, तो हम कहेंगे कि इसमें क्या ये टर्मिनेटिंग होगा, तो ये क्या होगा जरा बताइए, तो ये एक्चुअली 3 × 2 × 3 × 6 × 2 × 5। तो इसको बच्चे बोलते हैं कि नहीं सर इसमें 3 भी ना है, तो 3 भी है अगर तो ई नॉन मतलब टर्मिनेटिंग नहीं होगा, तो नहीं गलत बात है, ये टर्मिनेटिंग है 3 के फैक्टर होते हुए भी। कारण क्या है उसका, क्योंकि ये 3 कट जाएगा, अगर ये नहीं कटता 3 नीचे बच जाता तब हम कहते कि नहीं तब ये नॉन टर्मिनेटिंग होता। तो हम आफ्टर स्टैंडर्ड फॉर्म बोले हैं, कि जब स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या होता है कि कोई भी कॉमन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में नहीं हो, जैसे 3 × 3 = 3, 3 × 2 = 6, 1/20 हो गया। अब 1/20 में आप 2 × 2 × 5 लिख सकते हो, 2 × 2 = 4, 5 = 20। तो अब डिनोमिनेटर में केवल 2 और 5 का फैक्टर है, इसके अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। इसके हिसाब से हम पता कर लेते हैं कि ये टर्मिनेटिंग होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो एक बात इंपॉर्टेंट सीख गए कि अगर केवल डिनोमिनेटर में आफ्टर स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब कि काटने के बाद कोई भी कॉमन फैक्टर ऊपर और नीचे ना होने के बाद अगर डिनोमिनेटर में मात्र 2 और 5 का फैक्टर हो तो वो नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल बनाएगा, वो रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग बनाएगा। और अगर नहीं हो, उसके अलावा भी हो, ये भी हो साथ साथ वो भी हो, मतलब 2 और 5 का फैक्टर के अलावा भी कोई फैक्टर हो या केवल वही फैक्टर हो, तो वो नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं हो केवल कि नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल फॉर्म करेगा, ठीक है ना। चलिए अब अगला पढ़ते हैं, अगला भी।